गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कैनिज़ारो रिएक्शन। इससे पहले की वीडियो में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया एल्डो रिएक्शन एंड एप्पल रिएक्शन, तो आज डिस्कस कर लेते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन देखने करने के लिए हमें कुछ कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन अंडर कॉन्क बेस, यानी कि हमारे पास जो रिएक्शन में हमारे पास बेस के प्रेजेंस में होगा और बेस हमारा स्ट्रांग बेस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या, यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड जो भी एल्डिहाइड होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, और इसमें सिर्फ एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा। जैसे कि एल्डो रिएक्शन में हमारे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन होता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एल्डिहाइड होगा और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा होगा यहाँ पर एल्डिहाइड का, ये फॉर्मल डिहाइड हो जाएगा, ये बेंजल डिहाइड, और इसी तरह से और भी जो एल्डिहाइड आते चले जाएंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे कि यहाँ पर अल्फा कार्बन है लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसी तरह से और भी हो सकते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो ऐसे एल्डिहाइड। कैनिज़ारो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, और ये रिएक्शन जो होती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिख दिया, कैनिज़ारो रिएक्शन में हमारे पास दोनों एल्डिहाइड जो होंगे वो सेम होंगे, जैसे कि अल्डोल में था। देखिए मैं बार बार अल्डोल कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ से रिलेट करके ही इसे बताऊँगा, क्योंकि ये उसी से थोड़ा मिलता जुलता है। अल्डोल में जो था हमारे पास दोनों सेम एल्डिहाइड या दोनों सेम कीटोन होता था तो हमारा एल्डोल होता था, लेकिन हमारे पास एक एल्डिहाइड या फिर कीटोन डिफरेंट और दूसरा डिफरेंट हो, यानी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन होता था, क्रॉस्ड अल्डोल में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। यहाँ पर जब दोनों सेम होता है तो उसमें हम करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन, अगर हमारे पास यही दोनों डिफरेंट हो गए तो उसमें हम करेंगे क्रॉस्ड कैनिज़ारो। तो पहले हम कैनिज़ारो देखते हैं, अभी क्रॉस देख लेंगे। तो ये हमारे पास ये बेंजल डिहाइड, ये भी बेंजल डिहाइड, दोनों सेम एल्डिहाइड। इसका कराना हमें कॉन्क NaOH, यानी कि यहाँ पर NaOH यहाँ पर हमारा बेस है, और यहाँ पर दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें इसकी एसिडिक वर्कअप कराना है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा हमारा इसका ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन और ये इसका हो जाएगा रिडक्शन। इसमें लिखा गया ना, एक ऑक्सीडेशन होता है दूसरे का रिडक्शन होता है। तो हम इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कैसे हो रहा है ये। तो सबसे पहले लिखते हैं हम पहला वाला बेंजल डिहाइड pH सी डबल बॉन्ड ओ इधर एच, इसको हम कराते हैं बेस की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। OH माइनस आकर यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड कुछ इस साइड से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा pH सी OH यहाँ पर आ गया, ये वाला OH यहाँ पर आ गया और एक बॉन्ड O और इस पर आ गया दो इलेक्ट्रॉन और ये माइनस चार्ज, और यहाँ पर H पहले से है। ये हो गया हमारा जो हमारा बेस अटैक किया। अब ये दूसरे बेंजल डिहाइड से रिएक्ट करेगा, तो दूसरा बेंजल डिहाइड हम यहाँ पर प्लस करके लिख लेते हैं, प्लस करके लिखें या फिर एरो पे ही दिखा दें। यहाँ तक ये हो गया, अब मैं दूसरे वाले को यहाँ पर ये इसी रिएक्शन में ही प्लस कर रहा हूँ, ये pH सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अब ये क्या करेगा, ये माइनस फिर वापस से अपना बॉन्ड इधर देगा और ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता हुआ आकर इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस साइड से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से दिखाने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड पहले हाइड्रोजन लिया, दो इलेक्ट्रॉन इस पर आए, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाकर एक इलेक्ट्रॉन इससे देखकर बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड फिर इस साइड से ब्रेक हो जाएगा। फिर हमारे पास अगला क्या होगा, ये हो जाएगा pH सी ओ एच और इधर हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, pH सी इधर डबल बॉन्ड ओ और इधर ओ इधर एच, और प्लस इसके साथ क्या बना, ये pH सी इस साइड एच है, ऊपर की साइड हो गया ओ और इस पर आ गया माइनस, ये बॉन्ड इस साइड में रुक गया और ये नीचे की साइड आ गया एच, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर जो एच है ये यहाँ से निकल करके यहाँ चला जाएगा, ये वहाँ इस तरह से ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन आकर यहाँ पे लग जाएगा,
तो क्या हो जाएगा इस बार हमारा ये हो जाएगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ और इस पर आ गया माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ये वाला पी एच सी ये एच इसके साइड नीचे एच ऊपर हो जाएगा ओ और ये वाला हाइड्रोजन ये माइनस इससे यहाँ से खींच लेगा ये हो जाएगा ओ एच। अब इसका एसिडिक वर्कअप करा दोगे एच थ्री ओ प्लस से, एच थ्री ओ प्लस कहें या फिर आप इसको एच प्लस से सीधे सीधे कह सकते हैं, एच प्लस से करा देंगे तो ये माइनस जो है वो इस एच को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये वाला हो जाएगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ये हो जाएगा ओ एच प्लस और वो आपके पास ऐसे ही पड़ा रहेगा पी एच सी एच टू, चलिए पूरा दिखाते हैं सी एच ऊपर की साइड ओ एच। तो देखिए पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ये हो गया हमारा ये वाला और ये दूसरा वाला पी एच सी एच टू ओ एच ये हो गया, तो इसका हो रहा है ये हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडाइज्ड और ये हो रहा है रिड्यूस्ड। और जब किसी रिएक्शन में ये दोनों होते हैं तो उसे हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन डिसप्रोपोर्शनेशन, ये हो गया हमारा कैनिजारो रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। अब हम एक आध एग्जांपल जैसे कि शॉर्ट में समझ लेते हैं कैसे होता है, जैसे कि हमारे पास अगर फॉर्मल्डिहाइड हो एच सी डबल बॉन्ड ओ एच और प्लस यही वाला फिर से हो, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन में दोनों एल्डिहाइड सेम होंगे, जब हम क्रॉस कैनिजारो पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट होगा इसके बाद ही देखते हैं अभी उसे। तो इसमें ये सी डबल बॉन्ड ओ एच जो है ये वाला यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एच ये जो है जब इसको आप कराते हो ओ एच माइनस के प्रेजेंस में और फिर उसके बाद जब एसिडिक वर्कअप कराते हो एच प्लस, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एच जो है एक कन्वर्ट होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच जो है वो कन्वर्ट होता है सी ओ ओ एच में और दूसरा वाला कन्वर्ट होता है सी एच टू ओ एच में, जो सी ओ ओ एच में कन्वर्ट होता है वो होता है ऑक्सीडाइज, जो इसमें कन्वर्ट होता है वो होता है ऑक्सीडाइज वो होता है रिड्यूस्ड। यहाँ पर हो जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ इधर आ जाएगा ओ एच प्लस ये हो जाएगा एच सी डबल बॉन्ड सी ओ एच ये हो जाएगा सी एच टू ओ एच। तो एक ये हो गया हमारा। अब ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रहा है अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिए, बाद में जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे तो और डिटेल में इसको देखेंगे। जैसे कि ऑक्सीडेशन पहले लिखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन और यहाँ पर लिखते हैं रिडक्शन। अगर किसी में किसी रिएक्शन में ऐड हो रहा हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन और इसी का अपोजिट कर देंगे, यहाँ से रिमूव ऑक्सीजन और ऐड हाइड्रोजन। तो अब देखिए अब इसमें यहाँ पर पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच था तो इसमें ओ ऐड हो रहा है यानी कि ओ आकर इसमें लग रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडाइज्ड कहें इसे। और देखिए इसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच था और देखिए इस रिएक्शन में सिर्फ एक एच था और यहाँ पर एक एच और एक एच दो एच और ऐड हो रहे हैं जिसमें एच हाइड्रोजन ऐड हो उससे हम कहते हैं उसमें होता है हमारा रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो उसमें ऑक्सीडेशन और जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो वो उसमें रिडक्शन। यहाँ पे लिख दिया है उसको आप देख लेंगे थोड़ा। तो देखिए इसमें दोनों एल्डिहाइड सेम थे एच सी डबल बॉन्ड ओ एच और एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो इसमें से एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन उसमें सी ओ ओ एच और जिसका रिडक्शन सी एच टू ओ एच, तो दोनों सेम थे, दोनों में से किसी का एक में सी ओ एच कर दें दोनों में किसी का भी सी एच टू ओ एच कर दें। लेकिन अगर आप दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट होंगे तो क्या होगा अब हम वो देख लेते हैं।
तो अब देख लेते हैं हम क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन में इसके भी कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, टू डिफरेंट एल्डिहाइड, इसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे एल्डिहाइड ही। पहला हम ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ना इसमें ना इसमें, इसमें किसी में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसका मैकेनिज्म देखना है हमें। यहाँ पर है बेंजल्डिहाइड PSC डबल बॉन्ड OH, SC डबल बॉन्ड OH, इसको भी इसके प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो ये हमारा बन रहा है PSCH2OH HCOO-, इसमें हमें एसिडिक वर्कअप नहीं कराना है, हम इसको OHCHC डबल बॉन्ड OO- करके छोड़ देंगे, इसमें एसिडिक वर्कअप कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। हाँ, अभी ये OH- है, अब ये इस पर अटैक करेगा या इस पर अटैक करेगा। इससे पहले में जब हमने देखा उन दोनों में बेंजल्डिहाइड या फिर दोनों में फॉर्मल्डिहाइड था, दोनों में किसी भर भी कर लेता तो दोनों सेम था, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है और यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, तो इन दोनों में किस पर करेगा। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन हमारा ऐड हुआ है, देखिए यहाँ इसमें एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है, तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये OH- इस पर अटैक करेगा। और इसी रिएक्शन के आधार से अब हम सारी रिएक्शन जो भी हैं देखेंगे कि हम ऑक्सीजन का जो OH अटैक करेगा वो हम इसी पर कराएं, बेंजल्डिहाइड पर। अगर किसी और रिएक्शन में हमारे पास बेंजल्डिहाइड और कोई और एल्डिहाइड होगा तो हम सबसे पहले उस पर OH का अटैक फॉर्मल्डिहाइड पर ही कराएंगे। चलिए फॉर्मल्डिहाइड पहले ले लेते हैं HC डबल बॉन्ड OH और इसको कराते हैं बेस की प्रेजेंस में। रिएक्शन रिवर्सिबल होती है ये ध्यान रखना है। OH- ये आकर अटैक करेगा यहाँ पर और ये बॉन्ड इस साइड से ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा HCO पे आ जाएगा माइनस और नीचे की साइड आ जाएगा H और इधर की साइड H पहले से। अब ये वाला जो है अटैक करेगा अब इस बेंजल्डिहाइड पर, मैं यहीं पर प्लस करके लिखता हूँ उसे PHC डबल बॉन्ड O इस साइड H। ये बॉन्ड कुछ इस साइड से इस तरह से ब्रेक होगा और ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला लेता हुआ यहाँ पर जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस साइड से। ये मैकेनिज्म बिल्कुल पहले वाले की तरह है, इसीलिए मैं उतना ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैकेनिज्म तो पूरी दिखानी है ना। ये इस साइड आएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा H, इसे सिंगल बॉन्ड C लगा है, OH लगा है और इधर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस साइड H है और इस साइड OH, हम इसी साइड लगाते हैं क्योंकि अभी हमें इसे और लिखना है ना। इधर प्लस, इधर क्या हो जाएगा PH सिंगल बॉन्ड C, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड H, PH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ऊपर की साइड आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड से O और इस पर आएगा माइनस चार्ज और नीचे की साइड आके लग रहा है हमारा एक हाइड्रोजन जी। अब ये दोनों आपस में फिर से जैसे रिएक्शन हुई थी उसमें वैसे करेंगे, ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे लग जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास PHC, ये हो जाएगा OH और ये रहा H और ये रहा ये H प्लस, ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O और ये वाला हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन देके चला गया वहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा OP माइनस। तो अब ये देखिए ये हमारी मेकानिज़म हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, PHCH2OH PHCH2OH HCOO-, ये रहा हमारा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं कि अभी हम इसको शॉर्ट टर्म में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले देख क्या देखा था, इसमें COOH था, इसमें COOH था, तो इसमें किसी एक को हम इसमें C डबल बॉन्ड OH यानी कि CHO था, इसमें भी CHO है, तो इससे अभी जस्ट पहले हमने क्या देखा था, एक को हम COOH कर देते थे और दूसरे को CH2OH, तो अब हम इसमें से जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड होगा उसको हम करेंगे COO- और इस वाले को कर देंगे CH2OH। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो भी हमारे पास दूसरा एल्डिहाइड होगा हम उसको रिड्यूस करा देंगे, हमें बस यही करना है। अब इसी को हम कर लेते हैं इस एग्ज़ाम्पल में। चलो आओ तू नीचे चला, तुझे यहाँ पे करेंगे। देखिए ये फॉर्मल्डिहाइड है तो इसका जो ये CHO वाला पार्ट है
सी डबल बॉन्ड ओ एच वाला, और दूसरे एल्डिहाइड में ये एल्डिहाइड है कि नहीं पहले देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ इधर सी लगा है इधर एच लगा है तो ये एल्डिहाइड है, और इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन परसेंट नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कार्बन तो अल्फा है लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन परसेंट नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हाँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सी ओ ओ माइनस में, और कैनिजारो में हमारा कन्वर्ट होता था सी ओ ओ एच में, और जो दूसरा वाला है सी एच ओ वाला ग्रुप वो कन्वर्ट हो जाएगा सी एच टू ओ एच में। तो बस वही लिखना है हमें नीचे, हो गया हमारा, ये हो जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो जाएगा ओ माइनस प्लस, इधर क्या हो जाएगा ये सी इससे लगा हुआ इधर सी एच थ्री, इधर 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 ये पहले से सी एच टू ओ एच था, यहाँ पर भी सी एच टू पहले से था, और यहाँ पर भी सी एच टू ओ एच आ जाएगा जब हम इसको करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक रिएक्शन, उसके साथ ये हो गया हमारे एक एग्जांपल। अब क्रॉस कैनिजारों में हमारे पास एक और इसी और तरह से हो सकता है, कैसे, उसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं, पहला पहला फॉर्मल डिहाइड हो सकता है, दूसरा कोई और एल्डिहाइड हो, और उसमें अल्फा हाइड्रोजन परसेंट हो, कैसे है उसको हम देख लेते हैं। पहले इसको मैं रफ़ कर दूं थोड़ा, तो अब देख लेते हैं हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का दूसरा तरीका, दूसरे में हम क्या देखने वाले वो देखते हैं। हम देखते हैं कि इसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड तो इसमें भी होगा, पहला हम फॉर्मल डिहाइड ले लेते हैं और दूसरा हम कोई ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रजेंट होगा, विच है अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ एग्जाम्पल, ये फॉर्मल डिहाइड और ये दूसरा एल्डिहाइड है जिसके पास ये अल्फ़ा कार्बन और ये हो गया अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू माई पिछली वीडियो, मेरे पहली वीडियो में ये बताया है कि जिस भी एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रजेंट होता है तो उसमें अल्डोल रिएक्शन होती है। अगर दोनों सेम एल्डिहाइड या कीटोन दोनों सेम होते हैं तब हमारी अल्डोल होती है, अगर दोनों एल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों डिफरेंट होते हैं तो उसमें क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिए ये एल्डिहाइड दोनों डिफरेंट हैं, तो इन दोनों रिएक्शन में सबसे पहले क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन होगी। किसी भी एल्डिहाइड में अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें कैनिजारो रिएक्शन होने से पहले क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन होने से पहले क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन होगी, वही होगा इस मैकेनिज्म में। चलिए देखते हैं कैसे। ये हो गया हमारा सी, ये हो जाएगा सी एच थ्री, ये हो जाएगा सी एच थ्री, और नीचे की साइड अपना एच है और इधर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब इसको हमें कराना है बेस के प्रेजेंस में ओ एच माइनस, तो ये ओ एच माइनस क्या करेगा, इसको यहाँ से निकाल लेगा। देखिए इसको मैं पिछली वीडियो में डिटेल्स में बता चुका हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा अल्डोल क्रॉस अल्डोल वाले का थोड़ा शॉर्ट करूँगा। तो देखिए ये बेस के प्रेजेंस में H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। चलिए आप यहाँ पर नेक्स्ट में लिख लेंगे, पहले यहाँ पर H था ये लिख लिए, फिर उसके बाद बेस के प्रेजेंस में कराएंगे, फिर ये कंपाउंड ऐसा उठा के यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे माइनस चार्ज। ठीक, अब इसको यहाँ से हम हटा देते हैं क्योंकि इसका एक स्टेप मैंने कर लिया। अब दूसरे में क्या होगा, अब हम इस पर कराएंगे इस रिएक्शन को, ये माइनस आकर यच सी एच ओ पर अटैक करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ इधर यच, अब ये आकर माइनस यहाँ पर अटैक किया और ये बॉन्ड इस तरह से टूटा, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी इधर सी एच थ्री, इधर सी एच थ्री, इधर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर यच। और नीचे की साइड आ गया हमारे पास, ये अटैक किया कार्बन से तो ये कार्बन, और इससे लगा हुआ दो हाइड्रोजन है सी एच एच, मैंने दोनों को साथ में दिखाया, और ये ओ पे आ गया माइनस, ये ओ पे आ गया माइनस। अब इसके अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसको हम करा देंगे एच प्लस से, जब इसको एच प्लस से कराएंगे तो यहाँ पर ये एच आकर यहाँ पर लग जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस एच को यहाँ पर लगा लेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका काम ख़त्म मेरे लिए। तो ये प्रोडक्ट देखिए ये वाला हो गया, ये हो गया हमारा क्रॉस्ड अल्डोल, यहाँ पर नीचे आप लिख लेंगे क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन, ये रिएक्शन जो हुई हमारी अभी क्रॉस्ड अल्डोल यहाँ तक हो गया हमारा।
अब हमें क्या करना है, इस HCHO को पहले बेस के प्रदर्शन में कराएंगे, फिर उसके बाद जैसे हमारे अभी इससे पहले क्रॉस डाल हुई थी अब उसी तरह से हो जाएगी रिएक्शन हमारी। ये जो CHO है वो CH2OH में कन्वर्ट होने वाला है। चलिए इस मैकेनिज्म को भी कर देते हैं। सबसे पहले लेते हैं इस CHO को, क्योंकि OH इसी पे अटैक करेगा पहले। H C डबल बॉन्ड O इधर H और इस पर बेस आकर अटैक करेगा OH माइनस, या कर इस पर अटैक किया कुछ इस तरह से, ये बॉन्ड टूटा इस तरह से, यहाँ पर हो जाएगा ये H C इधर H, नीचे की साइड आके लगा OH और ऊपर की साइड इस पर हो गया O माइनस और प्लस। अब ये वाला ये हो जाएगा C, ऊपर की साइड CH3, इधर भी CH3, नीचे की साइड CH2OH है, इधर क्या है आपके पास C डबल बॉन्ड O और इधर है H। ये मेरा डबल बॉन्ड थोड़ा उधर चला जाता, इसको कर लेंगे सीधा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस अपना बॉन्ड इधर देगा और ये हाइड्रोजन आकर निकल कर ये इस कार्बोनिल वाले पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस साइड से ब्रेक हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये CH3 इतना मेंटेन पहले करके रखे हूँ, इधर CH3, इधर भी CH3, नीचे के साइड CH2OH है और इधर हो जाएगा C, ऊपर आ जाएगा O माइनस, फिर नीचे H और ये वाला HBr के यहीं लग रहा है H। अब एक स्टेप आप और आगे कर लेंगे, जब इसको हम और प्लस इसके साथ ये भी है ना, प्लस अभी प्लस इसके साथ ये वाला तो बचा है सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ इस साइड एच है, इस साइड ओ एच। तो अब ये दोनों आपस में जैसे रिएक्शन करते थे, ये वाला अपना बॉन्ड इस साइड ही देगा और ये हाइड्रोजन आकर यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एच सी ओ ओ माइनस, ये तो निकल जाएगा जो जैसे हमारा होता है, और ये हो जाएगा एच यहाँ पर आके लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2OH यहाँ पर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे लिख देते हैं, ये हो जाएगा C, ऊपर की साइड CH3, इधर भी CH3, नीचे की साइड CH2OH, अब इधर भी हो जाएगा CH2OH। अब ये हो गया हमारा क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन, यहाँ पर आप लिख लेंगे क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा, जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसमें सबसे पहले हमारी क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन होती है, अगर दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट है तो। अब इसमें देख लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ इधर सी, इसमें भी फॉर्मल्डिहाइड है अपने पास, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन है सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर सी एच है, इसी से लगा हुआ है, तीन एच लगे हुए हैं, इसी से कार्बोनिल से लगा हुआ है कार्बन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएगा, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसमें तीन अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो अब इसमें क्या करना है हमें, इसको तीन बार एच सी डबल बॉन्ड ओ एच से रिएक्शन कराना है, बेस की प्रेजेंस तो है ही, तो इससे रिएक्शन कराते हैं। तो अब देखिए हमारा शॉर्ट में क्या होता है, इस हाइड्रोजन जो अल्फ़ा हाइड्रोजन था जब हम HCHO बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराए थे, तो H की जगह आ गया हमारा CH2OH, यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन की जगह आ गया हमारा CH2OH, उसके हिसाब से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O, इस साइड H है ये तो ऐसे ही रहेगा और इस साइड C, और इससे जितना हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पर मैंने तीन लिख दिया है, 3 फॉर्मल्डिहाइड, तो ये तीनों एच को CH2OH कन्वर्ट कर देगा। आप पूरी मैकेनिज्म करेंगे तो आपको समझ में आएगा आराम से। ये हो गई आपकी क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन,
क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन, CAR, क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन आप समझेंगे, ना कि गाड़ी समझ लें। चलिए अब फिर से बेस की प्रदर्शन में करते हैं हम इसे, और HC डबल बॉन्ड O और H के प्रदर्शन में करते हैं। तो अब ये क्या करता है हमारा, देखिए यहाँ तक हो गया था हमारा, फिर HCOH और OH माइनर जो था वो क्या किया, ये CHO पार्ट को CH2OH में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाला CHO वाला पार्ट जो है, ये वाला भी आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा C, इधर CH2OH, इधर भी CH2OH, इधर भी CH2OH, इधर भी CH2OH, और प्लस आप लिखना चाहें तो HCOO माइनस लिख सकते हैं यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर छूटा है तो लिख लें HCOO माइनस। ये तो आपको पता ही है, यहाँ से ये HCOO माइनस है तो वही लिखा गया, तो ये तो है ही। तो ये हो गया हमारा क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन, विथ अल्फा हाइड्रोजन देखा, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन देखा। क्या कैनिज़ारो रिएक्शन ख़त्म अभी नहीं, हाँ अभी देख लेते हैं हम इंट्रा मॉलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन, उसके बाद हो जाएगी हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन ख़त्म। पहले देखते हैं हम इंट्रा मॉलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। तो अब देख लेते हैं इंट्रा मॉलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें क्या है, कोई डाई एल्डिहाइड सिस्टम हो, जैसे कि ACHO दोनों साथ साथ लगे हों, एडजेसेंट में दो सी डबल बॉन्ड ग्रुप लगे हों, तो उसमें ये काम करता है इंट्रा मॉलिकुलर। कैसे वो देखते हैं अब हम, जैसे कि ये OH माइनस, ये तो बेस प्रेजेंस में होना ही है ना, तो ये OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, दोनों में किसी पर भी कर सकता है, दोनों सेम है। अब ये इस साइड ब्रेक हो जाएगा, तब क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा HACOO, इधर C, और ये सिंगल बॉन्ड इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये H इस H को मैं नीचे की साइड दिखा देता हूँ, और ये जो H आके नीचे की साइड लग रहा है मैं इसको इधर दिखा देता हूँ। क्यों दिखाया अभी आपको समझ में आएगा, देखिए अब ये माइनस जो वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर इधर बॉन्ड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पर चला जाएगा, तो वैसे ही ये यहाँ पर जाएगा, तो ये वाला अपना एक बॉन्ड इस साइड ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक हो जाएगा, तब क्या होगा अब हमारे पास, ये हो जाएगा HC, इस ओ पर आ जाएगा माइनस, और इधर आ जाएगा C, ऊपर की साइड ये डबल बॉन्ड O, और इस साइड आके लग चुका है OH। और नीचे की साइड इधर लगा हुआ है H। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, हम इसको करा देंगे H+ से, ये H+ आकर ये माइनस अपने लोन पेयर से इसे अट्रैक्ट कर लेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा HCOH, नीचे की साइड H है, इधर C, डबल बॉन्ड O, इधर OH। तो देखिए इसमें ये वाला CH2OH, ये वाला CH2OH इस पोर्शन में, ये वाला COOH इस पोर्शन में, दोनों जो भी हमारा प्रोडक्ट अलग अलग बनता था COOH CH2OH, वो हमारा दोनों एक ही में बना, इसलिए हम इसे कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। तो बस आज हमने क्या क्या देखा, कैनिज़ारो रिएक्शन देखी, क्रॉस कैनिज़ारो देखी, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़ारो देखे। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।